विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। उसके दर से विलग हो गया। ये तो रावण की पराजय का आरंभ है, जो भूल तुमसे पहले हुई थी। अब उसे सुधारना नहीं चाहते हो तुम? नहीं, वो मैं फिर नहीं कर सकता। क्योंकि जब मद का प्रभाव छाता है, प्रेम नष्ट हो ही जाता है। तुम्हारा लोभों में मैं बढ़कर उस बालिका के प्रति तुम्हारे दुर्बल स्नेह को समाप्त करूंगा। मैं तुम्हारा मोह तुम्हारे हृदय में विकराल रूप लूंगा, जिससे तुम असुरों के अजय राजा बनोगे, ना कि एक साधारण बालिका के पिता। मत्सर्य को जागृत करो और उनकी विजय के प्रति ईर्ष्या का भाव रखो। तुम्हारे हृदय में बस एक ही इच्छा है, किसी भी प्रकार विजय प्राप्ति की। मुझे अपने क्रोध को तुम्हें प्रभावित करने दो भंडासुर। बार बार पराजय से सामना होने के कारण भंडासुर अपना संतुलन खो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप विकारों के प्रभाव में वो अवश्य रश्मि प्रभा को पुनः हानि पहुंचाने का विचार करेगा। तुम अभी भी इस पराजय को जय में परिवर्तित कर सकते हो भंडासुर। त्याग उसे करना चाहिए, तुम्हें नहीं भंडासुर। विजय के लिए कुछ भी करना उचित है भंडासुर। इसके पूर्व के राम दशानंद रावण के अंतिम शीश को विलग कर उसका अंत करें। तुम ये त्याग करो, ये सोच विचार का नहीं, कुछ करने का समय है भंडासुर। त्याग करो उसका, यही एक मार्ग शेष है। शीघ्र करो, तभी विजयी होगे। तुम्हारे पद की बाधा तो तुम्हारे सामने है। त्याग करो उसका, त्याग करो उसका भंडासुर। त्याग करो, त्याग करो उसका, करो उसका, त्याग करो उसका, त्याग करो उसका, त्याग करो उसका। मेरा वध करना इतना सरल नहीं है राम। तुम जितने शीश विलग करोगे, मैं उतने ही नए शीश उत्पन्न करूंगा। बस अब बहुत हुआ राम। तुम्हारा कोई भी बाण अब मुझे क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए जितने भी बाण चलाने हो चला लो। रश्मि प्रभा, मुझे पुकार लो तो मैं तुम्हारी रक्षा करने वहां पहुंच जाऊंगा। जो प्रतिज्ञा तुमने मुझसे ली थी उससे मुझे मुक्त कर दो। Yeah.
मेरा गदा प्रहार तुम्हारे शरीर को फेंक देगा। अब तुम प्रहार ही नहीं कर पाओगे। कहा था ना मैंने राम, कोई क्षति नहीं होगी। पिछली बार भी प्रभु श्री राम ने रावण का वध तभी किया था जब श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के बाण को उचित दिशा दी थी। इसलिए रावण का वध तो तभी संभव है जब फिर से प्रभु के बाण का वार उसकी नाभि पर हो। किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ये ज्ञात होने पर भी इसमें हनुमान जी की सहायता की प्रतीक्षा करेंगे, किंतु हनुमान जी तो इस दुष्ट में उलझे हुए हैं। होगा तभी रावण की विजय होगी, इसलिए अब तो ये त्याग अनिवार्य है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा पिताश्री, आप अपने पुत्री के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं। ना, अब कुछ नहीं, तुम्हारी कोमलता, मिठास कुछ नहीं रोक सकेगी मुझे। बिना रश्मि प्रभा के पुकारे मैं भंडासुर को रोकूं तो कैसे रोकूं? उसकी रक्षा की कोई तो युक्ति शीघ्र सोचनी होगी मुझे। इस प्रकार तो प्रभु श्री राम के बाण भी व्यर्थ होते रहेंगे। मेरी शक्ति के आगे इस बार असहाय हो तुम प्रभु श्री राम। भंडासुर को ये विश्वास है कि यदि वो रश्मि प्रभा का त्याग करेगा तो रावण की विजय हो जाएगी, तो उसका वो भ्रम तोड़ना होगा मुझे। और ये तो हनुमान जी की सहायता से रावण का वध होने के बाद ही होगा। मुझे अभी जाकर हनुमान जी को प्रभु श्री राम के पास भेजना होगा। विजय होऊंगा मैं। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी तो मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे हैं। अब मैं उनका ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करूं? प्रभु श्री राम। क्या हुआ मेरे प्रभु श्री राम को? हटो दुष्ट, मुझे मेरे प्रभु श्री राम के पास जाना है। कुछ नहीं होगा, कहा था ना मैंने, कुछ नहीं होगा मुझे। ये अधर्मी रावण प्रभु श्री राम का अपमान करने का दुस्साहस कर रहा है। मुझे क्षमा करें हनुमान जी, श्री राम का आज आपके बिना कहाँ संभव है? प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कदापि कुछ नहीं कहेंगे, किंतु उन्हें आपकी आवश्यकता है। पूर्व में भी आपने ही प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता की थी,
और अब वो समय आ गया है जब उन्हें पुनः आपकी सहायता की आवश्यकता है। मेरे प्रभु श्री राम को मेरी आवश्यकता है? आवश्यकता तो मुझे है तुम पर वार करने की। प्रभु अब मैं आपका बाण व्यर्थ नहीं होने दूंगा। प्रभु भी जानते हैं कि रावण के प्राण उसकी नाभि में स्थित हैं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी भी उसकी नाभि को लक्ष्य नहीं करेंगे। अतः रावण के अंत के लिए ये कार्य मुझे ही करना होगा। जय श्री राम। नहीं, ये बाण मेरी नाभि की ओर कैसे बढ़ने लगा? जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। 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 अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेगा और मैं उस देवी से युद्ध कर सकूंगा। जब वो एक बार तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है तो पुनः अपनी शक्ति पाने के लिए वो फिर से तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। मेरे पिताश्री, मुझे विश्वास है आप मुझसे अधिक नहीं करते और आप फिर से मेरा त्याग कभी नहीं करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए पिताश्री, आप जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। अपनी छोटी सी पुत्री को हानि पहुंचाने का पाप करेंगे। जो अधर्म की सभी सीमाओं को लांघ चुका है उस पर कैसा विश्वास? ये वो भंड है जिसे बुद्धि का, ज्ञान का, परामर्श का कोई लाभ नहीं। मुझे पुकारो रश्मि प्रभा, मेरा नाम पुकारो और स्वयं को सुरक्षित करो रश्मि प्रभा। पिताश्री, क्या आपके लिए मैं नहीं वो सम्राज, वो अनेक लोगों पर आपका वर्चस्व अधिक बड़ा है? मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो तुम नहीं, इस युद्ध में मेरी विजय है और वो तुम्हारा त्याग करने पर ही संभव होगी। ये मेरे पिता समान ही कौन असुर है जिसे मैं पहचानती भी नहीं?
और ये इतने दुष्टता भरे चेसिस कैसे हैं? इन्हें मैं पहले क्यों ना देख सकी? त्याग तो करना होगा, तुम्हारा त्याग जो इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मेरी सौगंध है प्रभु, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहां मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। मैंने वचन दिया है उसे, इसीलिए मैं और आगे नहीं बढ़ सकता। रश्मि प्रभा, अब तो तुम अपने पिता का वास्तविक परिचय प्राप्त कर चुकी हो, तो अब तो मुझे पुकार लो। यदि आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है पिताश्री, तो आपको जो करना है कीजिए पिताश्री। मेरे विजय की बाधा को अब मैं और नहीं सहूंगा, अपने त्याग को पूर्ण करूंगा अभी इसी समय। प्रभु गणेश जी। मेरा बल व्यर्थ नहीं जाएगा गणेश जी। धर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा आवृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा तामसी, अर्थात तमो गुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और संपूर्ण वस्तुओं को उल्टा मान लेती है। धर्म अधर्म के संघर्ष में धर्म का बल ही सदा सफल होता है। देखो भंडासुर, तुम्हारा खड़ग कैसे नष्ट हो रहा है। बस भंडासुर, दूर हटो अब। पिताश्री, अमरपुर से आ रही ये भयंकर ध्वनि कैसी है? गणेश मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो? हाँ कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गजानन से भेंट किए बिना यहाँ से प्रस्थान करना तो मेरे हृदय को नहीं भा रहा है। आपने उचित कहा हनुमान, हृदय तो अभी हम सबका भी नहीं भरा, किंतु कर्तव्य सर्वोपरि है। किंतु आप चिंता मत करें हनुमान, आपको गणेश से भेंट करने के अनेकों अवसर मिलेंगे भविष्य में, विशेष करके कलयुग में। आप गणेश द्वारा सभी देवी देवताओं के भक्तों की रक्षा के साक्षी बने, उसी प्रकार जिस प्रकार वो अभी अपने विशेष भक्त की रक्षा कर रहा है। रश्मि प्रभा, गणेश जी मैं जानती थी आप मेरी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे, आपको कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। आता कैसे था, कुशल हो? नहीं गणेश जी, मैं कुशल नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गणेश जी, मेरे पिता का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया है, सामने पुत्री के प्रेम से भी नहीं पिघलता। जो अपनी विजय से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रेम दया ममता का कोई अर्थ नहीं, विजय के लिए तो हृदय को कठोर करना ही पड़ता है। देखिए ना प्रभु, अब तो और भी क्रोध दिखाई दे रहा है वो। भंडासुर के पास अभी अनेकों अस्त्र हैं गणेश जी। अनुचित विजय की लालसा व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर धकेल ही देती है, फिर वो किसी का प्रेम अनुराग कहाँ देख पाता है, उसमें तो केवल भंडासुर के समान एक क्रूर असुर ही शेष रह जाता है। अब ये धूर्त क्रूर भंडासुर पीछे से आक्रमण कर रहा है।
चिंता मत करो रश्मि प्रभा, मैं सदैव तुम्हारा कवच बनकर रहूंगा। गणेश जी फिर मेरे मार्ग में आ गए। पापी हो तुम, घोर पापी, किंतु तुम पाप और अधर्म के मार्ग को अपनाकर इतने नीचे गिर जाओगे, इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी भंडासुर। दोष तो मेरी कल्पना का था, प्रभु माना था मैंने आपको, मेरे जन्मदाता, मेरे प्रभु, मेरे विघ्नहर्ता थे आप भी मेरे मार्ग का विघ्न बनकर खड़े हैं। किंतु विजय के पथ में जो बाधा आए, पराक्रमी उसे हटा कर ही आगे बढ़ते हैं। पिताजी अब भी क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो गणेश जी से आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे आगे बढ़ना है और आपको मेरे मार्ग से हटना ही होगा। गणेश जी, मैं किसी भी बाधा में अपने अस्त्र का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा, फिर वो शत्रु आप ही क्यों ना हो। और विजय के लिए इतना तो चलता है गणेश जी, इतना तो चलता है गणेश जी। जिस क्षण कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करने का विचार करता है, उसी क्षण वो अपने समूल विनाश का बीज बो देता है।